हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अब मैं आ गई हूँ नहा के, घर की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं अपनी साफ़ सफाई में लगी हूँ। मेहंदी मैंने लगाई थी, क्या दिन था, अभी मंडे को लगाई थी आई थिंक। तो आज मैं लगाऊंगी इंडिगो पाउडर, वैसे तो साथ ही उसी दिन लगा लेना चाहिए लेकिन मेरे पास था नहीं, तो आज मैं ये लगाऊंगी और डबल डबल करके लगाऊँ कि पहले मेहंदी लगा ली फिर इंडिगो कलर लगा लिया। इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है दो दो तीन तीन बार सिर धोने की। और फिर अगर दोनों को मिक्स करके लगाऊं तो अच्छे से रंग नहीं चढ़ता, तो इसलिए मैंने उस दिन तो वो लगाई थी। आज मैं इंडिगो पाउडर लगा लूँगी, हो सका तो फिर मंडे को मैं मेहंदी लगा लूँगी। तो ऐसे करके थोड़ा ठीक कर लूँगी बालों को और उसके बाद आज मैं घर पे ही फेशियल करूँगी, बिल्कुल ही ज़ीरो बजट में, बिना पैसे के घर पर ही आपके सब सामान मिलेगा वो। और फिर मैं फेशियल कर लूँगी ताकि, क्योंकि हो सकता है हमें कहीं जाना पड़ जाए, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, बाय चांस अगर हमें जाना पड़ा तो फिर भी, और घर पे रहते हुए भी तो साफ़ सुथरा तो रहे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिया है इंडिगो पाउडर और गर्म पानी करके मैंने इसमें डाल दिया है। वैसे तो कई चीज़ें जो चाहे इसमें मिक्स कर सकते हैं, जैसे गुड़हल का पाउडर, एक और आता है कत्था कुत्था सा क्या आता है, पर मैंने कुछ नहीं इसमें डाला है। मैंने सिंपल गर्म पानी से इसको गर्म कर लिया है, गर्म पानी से मतलब इसको घोल लिया है। और फिर अब मैं इसको रख दूँगी रेस्ट के लिए, तब तक ये थोड़ा और रंग सा चढ़ेगा इसमें तो रखा रहेगा, तो वो मैंने घोल के रख दिया है। अब आके मैं कर रही हूँ नाखूनों की सफाई। मैं सोच रही हूँ फेस के साथ साथ पैर भी साफ कर लूँ, तो पहले मैं नेल रिमूवर से ना नेल्स को साफ कर लूँगी और फिर मैं सोच रही हूँ कि ना बाद में इनको ना मतलब ये भी सोख हो जाएंगे, मतलब सोख का मतलब है पैर पानी में डाल के रख लूँगी ताकि मैल गल जाए अच्छे से, और साथ के साथ फिर और काम भी करती रहूँगी क्योंकि पैर तो बाल्टी में ही रहने हैं। तो ये नेल रिमूवर जो है ना रैम्बल का, ये बहुत अच्छा है, इससे ना अट जा बेटे तो मतलब अच्छे से एकदम साफ हो जाता है। मैंने कई तरीके के मैं ले लेती हूँ, कुछ फ़र्क सा नहीं पड़ता, लेकिन इसके बिना तो नेल्स नेल पेंट उतरती ही नहीं है। तो मुझे तो बस यही पसंद है इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ये रैम्बल कंपनी का है। तो जी ये मैंने पानी बाल्टी के अंदर डाल लिया है और इसके अंदर मैंने नमक डाला है, थोड़ा मीठा सोडा डाल लूँगी और डालूँगी इसके अंदर मैं शैम्पू, क्योंकि मैंने सामने शीशा रख लिया है और जो सामान मुझे ज़रूरी है वो रख लिया और मैंने डाल दिया इसके अंदर शैम्पू, इसको घोल दिया है। सिर मैंने धो ही लिया, जैसा आपको पता है कि मैं नहा चुकी हूँ। तो अब मैं फेशियल करूँगी, इसके अंदर मैं कुर्सी लेके यहीं पर बैठ जाऊँगी, पैर इसके अंदर डाल लूँगी, पैरों का मैल गलता रहेगा। तो मैं बैठ गई हूँ कुर्सी पे, बाल बांध लिए हैं, पैर मैंने बाल्टी के अंदर रख लिए हैं, इनका मैल गलता रहेगा, तब तक मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। क्लींजिंग के लिए मैंने कच्चा दूध ले लिया है और ये मैंने पाउडर इसमें लिया है, मैंने चावल का पाउडर है, मसूर की दाल का पाउडर है, बेसन है और ये थोड़ी हल्दी है। कच्चे दूध से मैंने इसको घोल लिया है, घोल के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये फूल जाए। और कच्चे दूध से मैं मुँह को साफ़ कर लूँगी अच्छे से, मतलब वैसे तो देखो मैं नहा के आई हूँ लेकिन फिर भी देखना कि काफ़ी मैल निकल जाता है कच्चे दूध से। तो अब मैं इसे साफ़ करके और थोड़ा सा मैं गुलाब जल भी इसके अंदर ही डाल लूँगी, वैसे मैंने पहले भी गुलाब जल से फेस साफ़ कर लिया था, तो ये हो जाएगा साफ़। तो जी जैसा मैंने बताया घर का कई सारे सामान से मैं कर रही हूँ, ये घर पे सबके होती है, कोल्ड क्रीम, वैसे फ्रूट क्रीम भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों एक ही काम करेंगी। अच्छे से मसाज इनकी करनी है, 5-7 मिनट तक इसकी मसाज करो। ये थोड़ा गुलाब जल मैंने ले लिया है, क्रीम लगा ली है, पहले तो फेस पे अच्छे से फैला लूँगी ऐसे ही फिंगर्स की हेल्प से, मतलब फिर बाद में जैसे स्टेप होते हैं वो सब करूँगी। तो 5-7 मिनट तक जितनी आपको करनी है उतनी मसाज आप कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने गुलाब जल डाल लिया है साथ में, जैसे हाथ सूखे हो जाते हैं ना, तो गुलाब जल और कच्चा दूध से ना ऐसे हाथ में ले लेके करते रहना चाहिए। जब मैंने पार्लर का कोर्स किया था तो हमारी मैडम ऐसे ही बताती थी, तो मैं उसी रूल को फॉलो करती हूँ। तो जी फेस की मसाज मैंने कर ली है और अब मैं हाथों पर जो लगाया है ना, हाथों को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, गांठे वगैरह को ना अच्छे से मालिश दे दूँगी इनको भी, क्योंकि इनको भी ज़रूरत है। वैसे मैं जल्दी से ख्याल रखती नहीं हूँ, फिर अब मैं सोच रही हूँ मौसम बदल रहा है तो हर चीज़ का ख्याल अगर हम रखेंगे तो एकदम मतलब बढ़िया हो पाएगा। तो अभी इस मौसम में ना वो सब कुछ चेंज होता है, अगर हम बालों की केयर करेंगे बाल भी हैवी होंगे, स्किन की केयर करेंगे तो स्किन भी अच्छी हो जाएगी। तो मालिश वगैरह मैंने कर ली थी और अच्छे से मैंने इसको क्रीम को मैंने गीले कपड़े उससे टॉवल से सॉरी हैंकी से ना अच्छे से साफ़ कर लिया है।
तो जी ये गर्म पानी है, गर्म पानी से मैंने भाप ले लूँगी मैं ताकि पोर्स अच्छे से खुल जाए, उसके बाद मैं फिर पैक लगाऊँगी। तो जी अब पैक को मैं घोल लूँगी, थोड़ा अपने फेस को ठंडा सा कर लिया ताकि गर्म सर्द ना हो। तो इसके अंदर ये थोड़ा हार्ड था, तो हार्ड मतलब थोड़ा टाइट सा था, मैं इसमें थोड़ा सा और दूध मिक्स कर लिया है मैंने, और अब मैं पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी। जब तक सूखता नहीं है तब तक मैं इसको लगा के रखूँगी, ठीक है। तो जी पैक मैंने लगा लिया है, और जब तक पैक सूखेगा तब तक मैं पैरों की अच्छे से साफ़ कर लूँगी। रगड़ाई कर रही हूँ मैं, ईंट ले रही हूँ थोड़ी सी ये, क्योंकि वैसे तो मेरे पास जूना भी है, स्क्रबर भी है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मुझे किसी चीज़ से नहीं लगता, इससे बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो मैं इसे कर रही हूँ, देखो कितना काफ़ी है ना, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे पैर एकदम। मेरे पैर काफ़ी गंदे हो रहे थे, एक तो मैं सुबह एक साइकिल मतलब बाहर रेडी करती हूँ उसके पास खड़ी होगी, उस पर पैर रख लिया मैंने तो ग्रीस मेरे पैरों पे लग गया था। अब नेल फाइलर से मैं नाखूनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो डेड स्किन होती है ना वो भी तो फिर गल जाती है ना अच्छे से पैर भे के रखने से, तो वो हो जाएगा काम अब, ठीक है। और ना वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ये सब करना, पहले मैं बहुत करती थी, ख्याल रखती थी अच्छे से। अब बच्चों में थोड़ा परेशानी भी होती है कुछ अपने शारीरिक तौर पे भी, देखो कितना मैल निकला है ना। तो जी अब ये मैं इसको अलग से कर दूंगी, डाल दूंगी मैं दूसरी साइड में, देखो पैर कितने साफ़ हो गए ना एकदम बढ़िया। और ये तो फ़ोन में तो थोड़ा अलग सा लग ही रहा है, लेकिन वैसे रियल में बहुत साफ़ लग रहे थे। मैंने दूसरे साफ़ पानी से पैरों को कर लिया है साफ़, देखो एकदम स्मूथ साफ़ हो गया मेरे पैर। अब दो चार बार करूँगी तो एकदम और भी बढ़िया हो जाएंगे। अब ले लिया मैंने नींबू और ले लिया थोड़ी सी हल्दी, अब मैं इसको अच्छे से मसाज कर दूँगी ताकि जो और भी मतलब स्किन में टैनिंग हो जाती है ना वो भी साफ हो जाए। और अगर हम इसको रेगुलर मतलब हफ्ते में दो बार भी अगर इस प्रोसेस को करते हैं ना, तो एकदम पैर ना ये समझो कि एकदम गोरे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है ना ट्राई, तो इस वजह से कह रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। तो जी पैरों पे रगड़ने के बाद फिर मैंने हाथों पे भी थोड़ा रगड़ दिया है, अब मैं अच्छे से अपने हाथों को भी साफ़ कर लूँगी, पैर भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। ये हो गया मेरा काम, हाथों पैरों की सफाई, और ऊपर से जो मैंने फेस पे पैक लगाया था वो भी सूख गया है, तो मैं उसको भी मतलब अभी साफ़ कर लूँगी। हाथ पैर साफ़ करने के बाद अब मैं फेस पे जो पैक है उसको उतारूँगी, पहले मैं ऐसे ही रगड़ लूँगी इसको अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं इसको रुमाल से गिल्ले रुमाल से मतलब साफ़ करूँगी ताकि अच्छे से गिला हो जाए। मेरा ना टोपस भी खुल गया, पता नहीं मैंने ले लिया अच्छे लग रहे थे, लेकिन ना ये मुझे अब सही नहीं लगते क्योंकि बार बार खुलते रहते हैं, डर रहता है कहीं गिर ना जाए, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब एक खुल गया है देखो, तो बस इसी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी रहती है इनकी वजह से, इनमें देखो कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन होगी, लग रहा है ना एकदम अच्छे से फेशियल किया है। मैं टोपस दिखा रही हूँ, एक कान में है एक है नहीं, हो गया ना एकदम बढ़िया। तो अब मैंने पैर कर लिए हैं साफ़ पहुँचने के बाद, देखो अब साफ़ हो गया। मैं नेल पेंट लगा रही हूँ ताकि और ज़्यादा सुंदर से लगे पैर, तो अब मैंने नेल पेंट लगा लूँगी मैं दोनों पैरों पे, एक पे लग गया है, अब दूसरे पे लगा लूँगी। तो अब मैं लगाऊँगी इंडिगो पाउडर जो मैंने सुबह घोल के रखा था ना वही वाला। अब देखो ये हरा हरा लग रहा है ना, बाद में फिर ये ब्लू कलर का हो जाएगा, अब पता नहीं रचेगा नहीं कैसे, अभी रचने लगाने के बाद सूखने के बाद धोने के बाद ही सही पता चलेगा भाई क्या असर किया है क्या नहीं किया है। हमारा काम था लगाना, हमने लगा लिया, बाकी तो रिज़ल्ट तो यूज़ करने के बाद ही पता चलता है अभी। लग रहे हो हम एक तरफ थोड़ा सा करो। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ? एक मिनट तुम खा दो। लग रहा है फेस से? लग रही हूँ ना? हो रहा है ना फेसियल का सा? हाँ मेरा भी कर दो आंटी जी फेसियल। ठीक है कर देंगे आपका भी। मुझे नहीं करवाना। बहुत अच्छे।